हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजन। इस वीडियो में हम वेबसाइट का हेडर पार्ट क्रिएट करना सीखेंगे और इस हेडर पार्ट को हम HTML और CSS की हेल्प से क्रिएट करेंगे। आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने यहां पे हेडर पार्ट क्रिएट करके रखा हुआ है और ये कितना ऑसम दिख रहा है। इसको हम आज क्रिएट करना सीखेंगे। इसमें मैंने, आप देख सकते हैं, स्लाइडर भी यूज किए हैं और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, यहाँ पे भी टेक्स्ट है, यहाँ पे बटन है और यहाँ पे हमारा लोगो है और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का बटन है और यहाँ पे हमारी बार्स की इमेज है। तो आप देख सकते हैं ये कितना ऑसम दिख रहा है। हम इसको क्रिएट करना आज सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। गाइज, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फोल्डर स्ट्रक्चर बता देता हूं। तो यहां पे मैंने डेस्कटॉप एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है न्यू वेबसाइट। न्यू वेबसाइट के अंदर मैंने यहाँ पे एक CSS नाम का फोल्डर बनाया है जिसके अंदर हमारी CSS की फाइल है और हमारी CSS की फाइल का नाम है स्टाइल और यहाँ पे इमेजेस नाम का फोल्डर है जिसके अंदर हमारी इमेजेस है और ये हमारी इंडेक्स नाम की फाइल है जो कि हमारी HTML की फाइल है। मैंने यहाँ पे HTML की फाइल को और CSS की फाइल को अपने टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लिया है। मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी HTML की फाइल है और ये CSS की फाइल है। मैंने यहाँ पे HTML की फाइल में HTML का सिंटेक्स लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मैंने यहाँ पे jQuery का CDN, Google Fonts का CDN और Sleek Slider का CDN लगाया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये CDN कहाँ से लगाने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि jQuery का CDN कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है cdnjs.com और यहाँ पे सर्च करना है jQuery और आपने यहाँ क्लिक कर देना है और आपने min.js फाइल को यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लेना है और यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज होने से पहले पेस्ट कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्लीक स्लाइडर के लिए हमें कौन कौन से CDN के लिंक्स यूज करने हैं। तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगा स्लीक और यहाँ पे आपके सामने ही दिखाई दे रहा है स्लीक कैरोसेल, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पे काफी सारे CDN की फाइल दिखेगी। जस्ट हमने यहाँ पे तीन लिंक्स उठाने हैं, मैं आपको बता देता हूँ। स्लीक min.js यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे jQuery के CDN के बाद इसको लगा देना है। इसके बाद थीम min.css, ये देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करके हम हेड टैग के अंदर लगा देंगे इसे थीम min.css। इसके बाद हम लगाएंगे स्लीक min.css, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा स्लीक min.css, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसके बाद लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने लगाया हुआ है स्लीक min.css और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिंक टैग का यूज करके अपनी CSS की फाइल को HTML की फाइल के साथ लिंक किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं होप करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि CDN हमने कहाँ से उठाने हैं और कहाँ कहाँ पे लगाने हैं। तो अब हम यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं div टैग लूंगा और इसे मैं क्लास दूंगा बैनर। बैनर div के अंदर मैं नैव टैग का यूज करूंगा और नैव के अंदर मैं डिव क्रिएट करूंगा जिसे मैं क्लास दूंगा लोगो। लोगो के अंदर मैं इमेज टैग का यूज करूंगा और इसके अंदर मैं इमेज का सोर्स दे दूंगा images/logo.png। लोगो डिव के बाद यहाँ पे मैं एक और डिव क्रिएट करूंगा जिसे मैं क्लास दूंगा right_side। इस डिव के अंदर मैं एंकर टैग का यूज करूंगा और एंकर टैग के HRF के अंदर मैं हैश दूंगा और इसमें मैं लिखूंगा कॉन्टेक्टस, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। एंकर के बाद यहाँ पे मैं इमेज टैग का यूज करूंगा और इसके सोर्स में मैं सोर्स दे दूंगा इमेज का images/bars.png। सेव करता हूँ और इसे मैं ब्राउजर में ओपन कर लूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगो की इमेज भी आ चुकी है, बार्स की इमेज भी आ चुकी है और एंकर टैग के अंदर जो कंटेंट लिखा था वो यहाँ पे आ चुका है। नैव टैग के बाद यहाँ पे मैं एक div क्रिएट करूंगा जिसको मैं क्लास दूंगा रो। रो div के अंदर मैं एक और div क्रिएट करूंगा जिसको मैं क्लास दूंगा कॉल वन। इस div को मैं कॉपी करता हूँ,
पेस्ट करता हूँ और इसकी क्लास चेंज कर दूंगा टू। कॉल वन डिव के अंदर मैं H1 टैग का यूज करूंगा और इसके अंदर कंटेंट में यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और P टैग का कंटेंट यहाँ से कॉपी करता हूँ। H1 के बाद मैं P टैग का यूज करूंगा, कंटेंट पेस्ट कर देता हूँ। P टैग के बाद मैं यहाँ पे एंकर टैग का यूज करूंगा, सो यहाँ से एंकर टैग कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और कंटेंट यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। कॉलम टू के अंदर यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ जिसको मैं क्लास दूंगा img_slider और इसके अंदर मैं डिव क्रिएट करूंगा जिसको मैं क्लास दूंगा img_wrap। इसके अंदर मैं इमेज टैग का यूज करूंगा, सो यहाँ से इमेज टैग कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, सोर्स चेंज कर दूंगा slide1.jpg। यहाँ पे मैं इस डिव को कॉपी करूंगा और दो बार पेस्ट कर दूंगा, 1 2, सोर्स यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 2 और लास्ट वाली में 3। सेव, ब्राउजर में जाके रिफ्रेश, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेजेस आ चुकी हैं और यहाँ पे कंटेंट भी आ चुका है। अब हम यहाँ पे CSS करेंगे, तो हम CSS की फाइल में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार सेलेक्टर का यूज करके सारे टैग्स की डिफॉल्ट मार्जिन 0 कर दूंगा, पैडिंग 0 कर दूंगा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का यूज करूंगा और फॉन्ट फैमिली लगा दूंगा सारे टैग्स पे, पॉपिंस कॉमा सेंस सेरिफ। सेव, ब्राउजर में जाके रिफ्रेश, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे टैग्स की यहाँ पे डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग रिमूव हो चुकी है और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली भी लग चुकी है। स्टार सेलेक्टर की CSS करने के बाद यहाँ पे मैं बैनर क्लास की CSS करूंगा, कॉपी करता हूँ, डॉट लगा के पेस्ट करता हूँ, विड्थ 100%, मेन हाइट 100 VH, बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे दूंगा #FFFFCC, पैडिंग में दूंगा टॉप से 0, लेफ्ट से 6%, बॉटम से 40 पिक्सल, राइट से 6%। सेव करता हूँ, ब्राउजर में जाके रिफ्रेश, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैनर को पैडिंग मिल चुकी है। बैनर की CSS करने के बाद यहाँ पे मैं नैव की CSS करूंगा, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा नैव, नैव को मैं पैडिंग दूंगा टॉप बॉटम से 40 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 0 कर देता हूँ। विड्थ में यहाँ पे दूंगा 100%, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। सेव, ब्राउजर में जाके रिफ्रेश, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पे जो CSS लगाई थी हमने वो यहाँ पे हो चुकी है, पर ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, हमें लोगो लेफ्ट में चाहिए और कॉन्टेक्टस और ये जो आइकन है ये हमें राइट साइड में चाहिए। सो यहाँ पे हमने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करना है। सेव, रिफ्रेश, अभी एकदम सही आ रहा है। नैव की CSS करने के बाद यहाँ पे मैं जो लोगो के अंदर इमेज है उसकी CSS करूंगा, यानी कि इसके लोगो क्लास को कॉपी करता हूँ, डॉट लगा के पेस्ट करता हूँ, img डिस्प्ले ब्लॉक कर्सर पॉइंटर। अब मैं राइट साइड की CSS करूंगा, सो यहाँ पे मैं राइट साइड क्लास को कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे डॉट लगा के पेस्ट करूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर। राइट साइड की CSS करने के बाद यहाँ पे मैं एंकर टैग की CSS करूंगा। एंकर टैग हमारे यहाँ पे दो यूज हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट A टैग की CSS कर दूंगा जो दोनों पे अप्लाई हो जाएगी। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, पैडिंग दूंगा टॉप बॉटम से 15 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 40 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर #333333, कलर में यहाँ पे दूंगा #FFF, फॉन्ट साइज में यहाँ पे दूंगा 14 पिक्सल, टेक्स्ट डेकोरेशन कर दूंगा नन और कर्सर में यहाँ पे दूंगा पॉइंटर। सेव, रिफ्रेश, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों एंकर टैग की CSS यहाँ पे हो चुकी है। सो यहाँ पे अब मैं जो बार्स की इमेज आ रही है इसकी CSS करूंगा, तो सबसे पहले मैं इसे एक क्लास से देता हूँ, menu_icon। सेव, यहाँ पे यू डाल देता हूँ, सेव कर देता हूँ, क्लास को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डॉट लगा के पेस्ट करूंगा, विड्थ में यहाँ पे दूंगा 52 पिक्सल और मार्जिन में दूंगा यहाँ पे लेफ्ट से 30 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर। सेव, रिफ्रेश, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन्यू आइकन की CSS भी हो चुकी है। मेन्यू आइकन की CSS करने के बाद मैं यहाँ पे रॉ की CSS करूंगा, सो रॉ क्लास को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, डॉट लगा के पेस्ट कर दूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स विड्थ 100%, बैकग्राउंड कलर #FFF, बॉर्डर रेडियस 15
पिक्सल ओवरफ्लो यहाँ पे कर दूंगा, हिडन, सेव, रिफ्रेश। अब मैं इन दोनों की विड्थ बराबर कर दूंगा। सो यहाँ पे जाके मैं कॉल वन क्लास को कॉपी करता हूँ, डॉट लगा के पेस्ट करूंगा, कॉमा लगा के पेस्ट कर दूंगा, डॉट लगा के, और वन की जगह यहाँ पे टू कर दूंगा। विड्थ में यहाँ पे दूंगा 50%, सेव, रिफ्रेश। यहाँ पे दोनों कॉलम की विड्थ बराबर हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं कॉलम टू के अंदर जो इमेजेस हैं उसकी सीएसएस कर देता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेजेस में गैप आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे गैप आ रहा है और यहाँ पे भी गैप आ रहा है और यहाँ पे बॉटम में भी। इस गैप को रिमूव करने के लिए यहाँ पे मैं क्या दूंगा, इमेज को डिस्प्ले ब्लॉक, सेव, रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेजेस में जो गैप आ रहा था वो रिमूव हो चुका है। डिस्प्ले ब्लॉक देने के बाद यहाँ पे मैं इसे विड्थ दे दूंगा 100%, और जो कॉलम वन है उसको मैं यहाँ पे पैडिंग दूंगा अलग से, पैडिंग टॉप बॉटम से 8%, लेफ्ट राइट से 5%, सेव, ब्राउजर में जाके रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे पैडिंग मिल चुकी है। और अब मैं यहाँ पे H1 की CSS करूंगा, सो यहाँ पे जाके मैं इस क्लास को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा H1, H1 को मैं फॉन्ट साइज दूंगा 60 pixel, लाइन हाइट में यहाँ पे दूंगा 80 pixel, लेटर स्पेसिंग 2 pixel, कलर में यहाँ पे दूंगा #333333, सेव, रिफ्रेश। तो H1 की CSS यहाँ पे हो चुकी है। H1 के बाद यहाँ पे मैं P टैग की CSS करूंगा, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा P और P को मैं कलर दे दूंगा #777 और लाइन हाइट में यहाँ पे दूंगा 22 pixel और मार्जिन में से दूंगा 15 pixel, 0 30 pixel, सेव, रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि P टैग की CSS भी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इमेजेस आ रही है इसे हम स्लाइडर में कन्वर्ट कर देंगे। तो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमें स्लीक स्लाइडर के लिए कौन कौन से CDN लगाने हैं, तो अब हम यहाँ पे स्लीक स्लाइडर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे गूगल पे हमने सर्च करना है स्लीक स्लाइडर और इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ये स्लीक स्लाइडर की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे मैं इस वाले कोड को कॉपी करूंगा और स्क्रिप्ट टैग के अंदर लगा दूंगा। HTML फाइल में जाके यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग लगाया हुआ है, इसके अंदर मैं इसे लगा देता हूँ और जिस क्लास पे मुझे स्लीक स्लाइडर को इनिशियलाइज करना है उस क्लास को मैं यहाँ पे लगा दूंगा। स्लीक स्लाइडर मुझे इस क्लास पे इनिशियलाइज करना है, सो इसे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। स्लाइड्स टू शो यहाँ पे 1, स्लाइड्स टू स्क्रॉल यहाँ पे 1, सेव, ब्राउजर में जाके रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे स्लाइडर वर्क कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे डॉट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, ये देखिए। सो यहाँ पे मैं डॉट्स ट्रू कर देता हूँ, डॉट्स ट्रू, सेव, ब्राउजर में जाके रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉट्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम इन डॉट्स की सीएसएस करेंगे और इन डॉट्स को हम यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे मैं img क्लास को कॉपी करूंगा, डॉट लगा के पेस्ट कर दूंगा और जो इसका पेरेंट है कॉलम टू उसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। img स्लाइडर को मैं मार्जिन दूंगा 0, सेव, मार्जिन 0 करने से ये जो मार्जिन आ रही है रिमूव हो जाएगी, रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिन रिमूव हो चुकी है, स्लाइडर यहाँ पे वर्क कर रहा है। पोजीशन में कर दूंगा अनसेट और यहाँ पे मैं img स्लाइडर क्लास को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि डॉट्स हमारे कहाँ पे आ रहे हैं, ये रहे हमारे स्लीक डॉट्स। यहाँ पे इस क्लास को कॉपी करूंगा और यहाँ पे डॉट लगा के पेस्ट कर दूंगा और स्लीक डॉट्स की अब मैं यहाँ पे CSS करूंगा। विड्थ में क्या करूंगा, इसको ऑटो दे दूंगा, लेफ्ट में यहाँ पे दूंगा 5% और बॉटम में यहाँ पे दूंगा 6%, सेव, ब्राउजर में जाके रिफ्रेश। तो अभी जो हमारे डॉट है वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं पोजीशन रिलेटिव लगा देता हूँ रो को, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ रो पे, पोजीशन रिलेटिव, सेव, रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डॉट्स थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम इनका साइज इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि साइज यहाँ पे कैसे इंक्रीज होगा। यहाँ पे बटन में बिफोर आ रहे हैं और यहाँ पे फॉन्ट साइज लगा हुआ है, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज इंक्रीज करने से इसका साइज इंक्रीज हो जा रहे हैं। सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे इस क्लास को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा और यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। फॉन्ट साइज यहाँ पे मैं दूंगा 16 pixel और कलर में यहाँ पे दे देता हूँ #333
333 सेव रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉन्ट साइज जो यहाँ पे था वो इंक्रीज हो चुका है और कलर भी यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। इन डॉट्स के बीच जो ये मार्जिन आ रही है इसको भी थोड़ा मैं कम कर देता हूँ, चेक करता हूँ कि ये कहाँ से आ रही है। यहाँ पे एल आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्जिन आ रही है लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल। इसे मैं यहाँ पे कम कर दूंगा। सो इसे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करूंगा और इस क्लास को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा। और एल आई के अंदर जो मार्जिन है टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से मैं 3 पिक्सल कर देता हूँ। सेव रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्जिन यहाँ पे कम हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे ये जो एक्टिव है इसकी CSS करूंगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि अभी ये वाला एक्टिव है तो मैं इसकी CSS करूंगा। एक्टिव के अंदर बटन है, बटन के अंदर बिफोर आ रहा है और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा और IMG स्लाइडर क्लास को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा और वहां पे जो ओपेसिटी आ रही थी उसे मैं 1 कर दूंगा और कलर मैं यहाँ पे दे दूंगा #333333। सेव। ब्राउजर में जाके रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी CSS भी हो चुकी है। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।